जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, वो भी बिना आटा गूंथे बिना बेले। ये बनेगा लिक्विड डोसे और बहुत ही आसान तरीक़ों से ये झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा और ये एकदम लाजवाब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। एकदम से मुंह में घुल जाने वाला आलू पराठा जो है हमारा बनकर तैयार होगा और इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम दो आलू लिए थे, वो भी बड़े साइज़ के, तो इसलिए हम इसे बीच से कट करके इसे उबाल कर और अच्छे तरीके से छील लिए हैं और छीलने के बाद अब हम इसे स्मैश कर लेंगे। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसे गर्मा गर्म हम अच्छे तरीके से स्मैश कर लेंगे। इससे हमारा पराठा जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो आलू को हम अच्छे तरीके से स्मैश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं हमारा आलू स्मैश हो चुका है। तो अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्लेट से हम सारे आलू को निकाल ले रहे हैं, तो जिस बर्तन में हम इसका घोल तैयार करेंगे उसी में निकालेंगे। तो प्लेट से हम अच्छे तरीके से निकाल ले रहे हैं आलू को। तो और ध्यान रहे, जब भी आप स्मैश करें आलू को तो अच्छे तरीके से स्मैश करें, नहीं तो आप ग्रेट कर लीजिए। और फिर हम इसमें कुछ सब्जी ऐड कर लेंगे। तो 4 से 5 लहसुन को हम अच्छे तरीके से छील के ग्रेट कर लिए हैं, साथ में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ों को अच्छे तरीके से ग्रेट करके डाल ले रहे हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कट के हम डाल ले रहे हैं, साथ में हम 1 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिए थे इसे डाल ले रहे हैं, और साथ में हम 2 चम्मच भर के हम धनिया पत्ता डाल लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है आलू पराठा का। तो सारी सब्जी हम डाल लिए हैं, अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाल ले रहे हैं। तो हाथ से हम पहले स्मैश कर लिए थे फिर हम डाल ले रहे हैं। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं। तो मसाले आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, हम बस इतने ही मसाले डाल के बनाने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो हम 1/2 चम्मच नमक डाल ले रहे हैं, आप अपने स्वाद अनुसार रखिएगा। और साथ में हम 1/2 चम्मच भर के इसमें चाट मसाला डाल लेंगे। इसे बहुत ही चटपटा सा हमारा जो आलू पराठा है वो बनकर तैयार होगा। तो सारे मसाले और वेजिटेबल्स हम डाल लिए हैं, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ में। तो चम्मच से हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि हमारा मसाला आलू के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम से चटपटा सा हमारा ये आलू का स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी। तो पहले हम 1/2 ही गिलास पानी डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, और आलू के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस पराठे को आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं अगर आलू उबला हो तो, और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर आप दोपहर के लंच में भी खा सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो आटा को हम पहले से छान लिए थे, इसमें हम डाल ले रहे हैं और फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वजन से हमारा 200 ग्राम आटा होगा और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और इसे हमें एकदम से गाढ़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डालेंगे, एक साथ ना डालें और मिक्स करते हुए पानी को डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से गाढ़ा सा बैटर को हमें बनाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाले हैं और इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ताकि हमारा पराठा जो है एकदम सॉफ्ट सा और बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो। तो इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और आप इसका कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम से गाढ़ा ही रखना है, पतला सा बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्का गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तो हमारा पराठा जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये तैयार हो गया है बैटर, और इसका कंसिस्टेंसी एक बार और देख लीजिए, इसी तरह से रखना है। और फिर हम एक लोहे का तवा लेंगे, उस पर हम बना लेंगे, आप चाहें तो फ्राई पैन पर भी इसे बना सकते हैं। और फिर हम 1 चम्मच घी डाले हैं, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, और आज का फ्लेम हम एकदम स्लो कर देंगे और 1 कलछी हम उठाएंगे बैटर को और इस तरह से तवे पे हम डाल के हल्के हाथ से कलछी से हम फैला लेंगे। एकदम पराठे के आकार में हमें बनाना रहता है, तो इसे एकदम से पतला भी नहीं करना है और एकदम मोटा भी नहीं रखना है। तो जिस तरह से हमारा आलू पराठा बनता है उसी तरह से हम तवे पे फैला लेंगे और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे धीमी आंच पे, और फिर इसे हम पलटी कर लिए हैं। तो नीचे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए और तवा से ये छोड़ दे, तो फिर इसे हम पलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पराठे को सेकना है। तो इस तरह से स्पैचुला से हम दबाते हुए चारों तरफ से सेकेंगे, हल्का हल्का घी हम डाल दे रहे हैं किनारों से ताकि हमारा पराठा जो है कहीं से कच्चा ना रहे और अच्छे तरीके से पककर तैयार हो। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा पराठा जो है बन गया है। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारे पराठे को बना लेंगे। तो एक पराठा हमारा बन गया है, दूसरा भी बना ले रहे हैं। तो आप
इसे एकदम से हाई फ्लेम पे ना पकाएं, मीडियम और स्लो फ्लेम पे ही इस पराठे को पकाना रहता है। और आप देख सकते हैं एक एक करके हमारा चार पराठा जो है बनकर तैयार हो गया है। तो एक कटोरी हम आटे से और दो आलू से हम चार पराठा बना के तैयार किए हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा आलू पराठा जो है बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ना ही आटा गूंथना पड़ा, ना ही बेलना पड़ा और कितना परफेक्ट तरीके से हमारा आलू पराठा जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप सुबह के टाइम में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। एकदम से सॉफ्ट सा मुंह में घुलने वाला हमारा पराठा जो है बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर हम इसे सर्विंग प्लेट में लगा लेंगे और इसे हम हरी चटनी और दही के साथ सर्व करेंगे। तो इसे गर्मा गर्म दही और चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में लिक्विड डो का आलू पराठा बना के जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।